welcome you to my channel. So I am here with you with the physics chapter. This is the last physics chapter in my channel of class 10. So that is chapter number 13, and the name of the chapter is magnetic effects of electric current. Okay, so the name itself suggests that electric current will produce some magnetic effect. So it means that when there is a passing or there is a conduction of electric current, then it will generate some magnetism. जब इलेक्ट्रिक करंट एक वायर से पास होगा स्टूडेंट, तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मतलब कि वो वायर है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी। चलो उसको समझते हैं धीरे धीरे। तो उस ये चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको दिया गया है हैंस क्रिश्चियन ऑल्स्टर नीडल एक्सपेरिमेंट। क्यों ये दिया गया है? क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले फाइंड किया था कि भाई ये जो वायर है उसमें से अगर आप कोई भी करंट पास करते हो तो वो वायर है वो मैग्नेटिज्म शो करता है। मतलब ये वायर में ऊपर नॉर्थ पोल हो सकता है, नीचे साउथ पोल हो सकता है, और ये वायर है वो कोई भी आयरन की चीजें जो होती है, जैसे कि ये मैं यहाँ पे आयरन नेल लेता हूँ, तो ये आयरन नेल है उसको भी अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। जिसको ये इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म है वो वापिस आए इसलिए। तो स्टूडेंट्स क्या था एक्सपेरिमेंट, ही कनेक्टेड अ की a resistance, a copper wire, a battery with a single wire and as a closed circuit, a closed network बनाया जिसमें key थी, resistance था, एक copper wire था। फिर क्या किया students? Hans Christian Ørsted ने ये battery start कर दी, key है वो on position में है, तो current flow हुआ, resistance से गया थोड़ा बहुत current है वो regulate हो गया। उसके बाद क्या हुआ students? उसके बाद ये उत्तर हुआ कि ये current जो जैसे ही यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स, तो ये कैसे बिहेव करने लगा? The XY portion of wire behaved as a magnet. ठीक है? So what we concluded from this experiment of Hans Christian Ørsted that when an electric current is passed through a wire, it generates magnetic field or it behaves as a magnet. Okay students, तो ये आपको experiment समझ में आ गया होगा। अब आपको मालूम होगा कि magnet में कितने poles होते हैं? दो poles होते हैं, वो है north pole और south pole। तो वो poles में उसके अंदर क्या होता होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, उसका नेचर क्या है, वो कहाँ से बाहर आते हैं, कहाँ पे वो अंदर जाते हैं, ठीक है, वो लूप कैसे फॉर्म करते हैं, ठीक है, वो कहाँ तक स्प्रेड हुए होते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स दैट स्टूडेंट्स। वो मैग्नेटिज्म उसकी प्रेजेंस है वो मेजर करने के लिए या फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए हैंस ऑर्स्टेड ने और एक चीज का यूज किया था जिसका नाम था कंपास नीडल। तो उन्होंने क्या किया उसको प्रूव करने के लिए कि भाई मैंने बोला ऐसे नहीं, एक डिवाइस लेके आओ जो है कंपास नीडल, जो अभी भी पहले एंशियंट टाइम में शिप की डायरेक्शन को सर्च करने के लिए यूज होता था, सेम वे मैग्नेटिक कंपास नीडल यहाँ पे रखा तो उनको डिफ्लेक्शन मिला, इसलिए उन्होंने यही प्रूफ है वो पेपर में पब्लिश किया जिससे ये बहुत ही फेमस हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारे मैग्नेट्स थे उसकी प्रॉपर्टी है उसको स्टडी किया गया। तो उसमें से हमें मालूम पड़ा कि आयरन है वो अट्रैक्ट होता है और मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, जो आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम टेंथ में क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई वो जो डायरेक्शन है, मतलब कि नॉर्थ से साउथ पोल में कुछ डायरेक्शन होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है स्टूडेंट्स, कि एक ऐसी लाइन है कि जो हमें दिखती नहीं है, वर्चुअल है, इमेजिनरी है, पर है जरूर, उसका कारण ही एक फोर्स है वो अट्रैक्ट होता है। जैसे हमने पढ़ा था कि नॉर्थ पोल है स्टूडेंट्स वो साउथ पोल से अट्रैक्ट करता है, तो क्यों अट्रैक्ट करता है, उसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा फोर्स है वर्चुअल फोर्स। तो सेम वे एक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेट है उसका एक एरिया होता है जहाँ पे वो प्रिवेल करता है, जहाँ पे वो होता है, ठीक है। तो वो कहाँ से एग्जिस्ट होता है स्टूडेंट्स, नॉर्थ पोल से एग्जिस्ट होता है और साउथ पोल पर वो वापस आता है। तो इसके लिए क्या हुआ,
कई सारे नीडल्स रखे गए स्टूडेंट्स, पॉइंट में आप देख रहे हो कई सारे नीडल्स रखे गए. सो इफ यू आर ऑब्जर्विंग द नीडल्स डायरेक्शन देन यू कैन सी दैट इट इज गोइंग टूवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन. आप सभी नीडल्स को ऑब्जर्व कीजिए, आपको ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगा. काउंटर क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन पूरा मिलेगा. तो इससे एक चीज मालूम हो गई. क्या मालूम हुई स्टूडेंट्स? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड कर्व. ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी स्टूडेंट्स. ये टॉपिक में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें मिल गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है स्टूडेंट्स वो हमेशा क्लोज कर्व, एक पूरा क्लोज कर्व फॉर्म करती है. और यहाँ पे अंदर भी अगर आप नीडल रखोगे तो ऐसा डायरेक्शन आपको मिलेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया पूरा क्लोज कर्व. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आप सबको समझ में आ गई होगी. अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर जा रहे हैं. तो उसको समझने के लिए आपको यही जो फिगर है उसको एक्सटेंड किया है. तो आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अपर पोर्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है? नहीं, अपर लोअर सराउंडिंग सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, क्या उसका मैग्नेटिज्म है वो होता है, एग्जिस्ट होता है. ठीक है, तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है स्टूडेंट्स वो कहां से बाहर आ रही है और कहां पे अंदर जा रही है. सी स्टूडेंट्स, सो सेकंड मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम बाहर कहां से निकलता है स्टूडेंट्स? बाहर कहां से निकलता है आप देख सकते हो, बाहर कौन से डायरेक्शन से निकल रहा है? नॉर्थ पोल से. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, एन का मतलब है नॉर्थ पोल, एंड कम्स टू द साउथ पोल. अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर के पोर्शन में देखिए या नीचे के पोर्शन में देखिए, ऊपर के पोर्शन में आपको नॉर्थ पोल से बाहर निकलता हुआ साउथ पोल में जा रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. और नीचे के पोर्शन में अगर आप देखोगे तो भी सेम ही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आ रहा है. और अंदर आप देख सकते हो स्टूडेंट सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो साउथ से नॉर्थ में जा रही है, तभी तो क्लोज लूप होगा ना स्टूडेंट. अब इसको हम बहुत ही इजी तरीके से समझे तो ये नॉर्थ से साउथ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये क्लोज कर तब कब होगा? जब वो नॉर्थ से निकला साउथ पे पहुंचा और साउथ से फिर से वो नॉर्थ तक जाएगा, तभी एक क्लोज लूप खत्म होने वाला है. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड कम्स टू द साउथ पोल. बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, ये भी आपको समझ में आ गई होगी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेकंड प्रॉपर्टी है. अब हम थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर जा रहे हैं. The magnetic field lines तो स्टूडेंट्स थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये बताना चाहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ पोल एस पोल टू नॉर्थ पोल, इसका मतलब साउथ पोल स्टूडेंट्स और इनका मतलब नॉर्थ पोल. इनसाइड द मैग्नेट के अंदर वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल में ही जाएगा, पर मैग्नेट से बाहर वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जा रहा है, तभी उनका क्लोज लूप है वो खत्म हो रहा है. तो अब हम इसकी और एक प्रॉपर्टी के ऊपर जा रहे हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रॉपर्टी. सब नोट करते जाइए स्टूडेंट्स. फोर्थ वन, सी स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज मोर टुवर्ड्स द पोल. अब देख सकते हो स्टूडेंट्स तो बहुत ज्यादा लाइंस हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में, बहुत ज्यादा भीड़ है लाइन्स की. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मैक्सिमम एट पोल्स. याद रखना स्टूडेंट्स, इज मैक्सिमम एट पोल्स. ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां पे मैक्सिमम है? पोल्स पे, नॉर्थ पोल और
साउथ पोल पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सी स्टूडेंट्स, इफ यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द मैग्नेट, यू कैन सी ओवर हियर, अगर आप दूर जा रहे हो, देन यू कैन सी दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन इज इंक्रीजिंग। आप देख सकते हो ये D1, D2 और D3 में बोलूं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो D3 है वो ज्यादा है D2 से, और D2 है वो D1 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि जैसे 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 आप मैग्नेट से दूर जाओगे, उसकी फील्ड लाइंस है, उसकी स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, सो आई विल राइट ओवर हियर, और फिफ्थ प्रॉपर्टी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस। वो किसके ऊपर डिपेंड होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d, नॉट डायरेक्टली बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। अभी समझाता हूँ स्टूडेंट्स, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। उसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि अगर कम डिस्टेंस, मतलब मैं बहुत नजदीक हूँ, कम डिस्टेंस है मेरा, तो मुझे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी, और अगर मैं दूर जा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी समझाया है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गई होगी। सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस। इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड इज लो, डिस्टेंस इज मोर मैग्नेटिक फील्ड इज लेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ समझना था। दूसरी चीज, वो हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करते हैं, हमेशा नॉर्थ पोल से बाहर निकल के साउथ पोल के अंदर जाएंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद साउथ पोल के अंदर से वो नॉर्थ पोल तक जाएगा, कहाँ पे, इंटीरियर ऑफ द मैग्नेट। और ये जो फील्ड लाइंस है स्टूडेंट्स, जिसकी स्टडी हम अभी कर रहे हैं, वो किसकी फील्ड लाइंस है स्टूडेंट्स, बार मैग्नेट की, किसकी है, बार मैग्नेट की है। जैसे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बार मैग्नेट का लगाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट प्रॉपर्टी, नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि कभी भी ये लाइन दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि नीडल हमेशा आपको एक ही डायरेक्शन दिखाएगा, कभी भी दो डायरेक्शन दिखाएगा नहीं। सो नो टू फील्ड लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर और विल क्रॉस ईच अदर। दिस वाज द लास्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स, होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।